नमस्ते दोस्तों, बी ए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो बॉटम रिवर्सल स्टॉक स्कैनर है उससे जो हमारे लास्ट वीक में जो भी रिजल्ट्स आए हैं उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, और आज के जो स्टॉक्स आए हैं उनका हम चार्ट एनालिसिस भी करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि प्रीवियस जो स्टॉक्स आए हैं उनका परफॉर्मेंस इस वीक में कैसा रहा। तो हमारा वीक जो स्टार्ट होता है मंडे से, आज जो फ्राइडे खत्म हो गया है, तो मंडे से जो आए हैं अपन देख सकते हैं 27, 28, 29 और 30 को जो जो स्टॉक्स आए हैं हमारे इसमें स्कैनर में उनका रिजल्ट। तो बैक टेस्टिंग है ये आपके सामने जो मैं देख बताता हूँ। बॉटम रिवर्सल पैटर्न ब्रेकआउट ऑन डेली चार्ट PKS002 स्कैनर है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो वहां से परचेज कर सकते हैं। चलिए अपन इसका बैक टेस्टेड रिजल्ट देख लेते हैं, जो कि ये सारे FNO स्टॉक्स हैं उसी में मैंने इसमें रन करा रखा है, क्योंकि अगर मैं सारे केस स्टॉक में करूँ तो बहुत सारे स्टॉक्स आ जाते हैं तो उतना हम हैंडल नहीं कर सकते। अगर आप इसमें लेते हैं और केवल किसी पर्टिकुलर सेगमेंट या आपकी जो वॉच लिस्ट है उसमें भी आप इसको रन करा सकते हैं। तो चलिए अपन देखते हैं कि जो 23 तारीख से हमने जो खोला था ऑलरेडी 27 तारीख से हमारे पास कौन कौन से स्टॉक आए हैं। तो फर्स्ट तो है ये 28 तारीख का, 27 तारीख को कोई भी स्टॉक नहीं आया था। उसके बाद 28 नवंबर को SBI, ONGC, श्री सीमेंट, अदानी इंटरप्राइजेस और मदरसन सुमी, ये चार तीन दो पांच कंपनियां आई थी, जिसमें से अगर मैं SBI की बात करूँ ये 28 तारीख को रिजल्ट दिया था, तो 28 की EOD प्राइस से अपन इसको कंपेयर करेंगे। तो 28 की EOD प्राइस इसकी ये थी, ये तारीख था, कौन सी तारीख है ये, 28 नवंबर। 28 नवंबर का इसको EOD जो क्लोजिंग हुई थी वो 564.45, मतलब 565 मान लीजिए, और अभी इसकी जो करंट प्राइस जो क्लोजिंग है वो हुई है इसकी 571, मतलब कि यहाँ से ये ₹5 ऊपर की तरफ मूव हुआ है SBIN। और अगर मैं दूसरे की ONGC की बात करूं तो धीरे हम जल्दी जल्दी बात करेंगे ताकि हमारे सारे स्टॉक्स कवर हो सके। और ONGC ने 28 तारीख को दिया था, 28 तारीख का जो क्लोजिंग प्राइस थी 193.95, मतलब 94 थी, और ये इसने जो हाई बनाया 198 तक का हाई बनाया, और अभी करंटली ये 194.55 पे ट्रेड कर रही है। तो पॉजिटिव इसने रिटर्न दिए हैं और SBIN ने भी पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। अगर मैं इसकी बात करूं श्री सीमेंट की, तो श्री सीमेंट जो 28 तारीख को था आप देख सकते हैं यहाँ पे 26,067 पे, और अभी ये है 27,026 पे, मतलब यहाँ से ये 1,000 पॉइंट ऊपर दे चुका है श्री सीमेंट। अदानी इंटरप्राइज की बात करूं तो जो 28 तारीख को था अदानी इंटरप्राइजेस ने 28 तारीख को दिया था, 28 तारीख का चार्ट है। इसके बाद यहाँ पे जो क्लोजिंग थी वो 2423 थी, और अभी ये प्राइस उससे नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। हमारे जनरली स्टॉप लॉस इसमें कैंडल लो ले सकते हैं या फिर आप स्विंग लो लेंगे, ज्यादा सेफ रहना चाहते हैं तो, उसी दोनों केस में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, लेकिन अभी प्राइस जो एंट्री प्राइस है उससे नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। मदरसन सुमी की अगर बात करें तो मदरसन सुमी में जो 28 तारीख को हमें दिया था इसने, 28 तारीख को इसने लगभग ये क्लोजिंग थी 89.95, मतलब 90 रुपीस के आसपास, और अभी ये 93 रुपए के आसपास चल रही है, तो इसमें भी पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। तो 28 तारीख का रिजल्ट लगभग सभी में अच्छा है, एक्सेप्ट अदानी इंटरप्राइजेस जो अभी एंट्री से नीचे चल रही है। और 28 के बाद अगर हम 29 की बात करें तो 29 में SBIN अगेन आया था, रैमको सीमेंट एक नया स्टॉक है, तो रैमको सीमेंट की बात कर लेते हैं 29 तारीख में। तो रैमको सीमेंट 29 तारीख की इसकी जो क्लोजिंग थी वो थी 993, और अभी ये चल रहा है 1,005 पे, तो ये भी पॉजिटिव चल रहा है। रैमको सीमेंट के अलावा जो PEL है ये भी नया स्टॉक है, तो PEL है, PEL की जो 29 तारीख को क्लोजिंग थी वो थी 919.35, और अभी ये चल रहा है 929 पे, तो ये भी पॉजिटिव चल रहा है PEL। और उसके अलावा कोलाफिन की बात करें, फाइनेंस कंपनी है ये, और ये भी पॉजिटिव चल रही है, आप देख सकते हैं इसकी जो क्लोजिंग प्राइस थी
वो थी 1110 रुपए के आसपास और अभी ये चल रहा है 1128 रुपए, तो ये भी पॉजिटिव चल रहा है। मदर्स हम ऑलरेडी हम देख चुके हैं 29 तारीख को या 28 तारीख को आ चुका था, और फिर सिप्ला ONGC सीसीमेंट, सी सीमेंट ऑलरेडी देख चुके हैं, सिप्ला और ONGC को देख लेते हैं। 30/11 को आए हैं ये नए स्टॉक, तो 30/11 को सिप्ला आया है, तो 30/11 को कल ही के दिन है आज ये इसने नेगेटिव कैंडल बनाई, मतलब प्राइस एंट्री से नीचे चल रहा है सिप्ला। और ONGC की अगर बात करें तो ONGC भी ऊपर गया था, लेकिन अभी एंट्री के लगभग एंट्री के प्राइस के बराबर ही चल रहा है। तो ये सारे स्टॉक्स थे जो बैक टेस्टेड थे, और आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो ये दो स्टॉक्स आए हैं, वेदांता लिमिटेड और नेस्ले इंडिया लिमिटेड। तो आपने देखा होगा मैक्सिमम स्टॉक्स ने ठीक ठाक परफॉर्म किया है, मतलब ऊपर की तरफ मूव किए हैं, और कुछ स्टॉक्स प्राइस लेवल के नीचे भी हैं। तो अभी हमारे पास दो स्टॉक्स हैं, हम दोनों का इसका चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें। और चलिए अपन चार्ट एनालिसिस, और अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं वेदांता लिमिटेड का चार्ट एनालिसिस। तो वेदांता लिमिटेड ने हमें ये ब्रेकआउट दिया है, तो अपन इसको देख लेते हैं कि कैसा ये रहेगा हमारा। अब देखिए, एक जैसे हमने पहले भी एक बात की थी जिसमें हमने एक कंपनी का बारे में बताया था कि ये डाउन ट्रेंड में है, जैसे कि हमने 29 तारीख को जो हमने वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें हमने रेमको सीमेंट, SBIN, PEL, कोलाफिन और मदरसन सन, तो मदरसन सुमी का जो हम चार्ट देख रहे थे, तो मदरसन सुमी का अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये भी एक डाउन ट्रेंड में था, और एक ट्रेंड लाइन यहाँ से हमने ड्रॉ की थी जो इसके हाई तक आ रही थी, और उसने जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक की और काफी अगले दिन काफी अच्छा रिटर्न भी दिया था। सेम आई थिंक इसमें भी अप्लीकेबल होगा। ये देखिए, यहाँ से मैं अगर ट्रेंड लाइन खींचूं, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन के लगभग वहीं पे आके रुका हुआ है, तो इसमें दो चीजें पॉसिबल है, या तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, और अगर ये ब्रेकआउट नहीं देता है तो यहाँ से फिर ये अगेन एक रिवर्सल कैंडल नीचे की तरफ बना सकता है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में, कि अगर आप इसमें ट्रेड कर रहे हैं तो ये जो इसका हाई है, इस वाली कैंडल का जो हाई है, ये लेवल है 247.48 के आसपास का, इसको अगर ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है, ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करता है, इस लेवल को भी ब्रेक करता है, तब तो इसमें बाइंग की जा सकती है एटलीस्ट 282 के लेवल तक के लिए। एक बार अगर 282 लेवल सस्टेन कर लेता है तो एक बार हमें एग्जिट ले लेना है, और अगर ईओडी तक अगर इसको मेंटेन करके रखता है या इसके ऊपर में क्लोजिंग देता है तब हम इसमें आगे के लिए भी बाइंग कर सकते हैं। जैसे इस तरह में यहाँ पे देखिए ये लेवल आया और आके फिर अगेन प्राइस नीचे आ गई, तो इस तरह से अगर प्राइस नीचे आ जाती है ये हमें पता नहीं होता है, तो एक बार अगर ये लेवल अटेंड कर लेता है तो हमें इससे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए और हमें फिर उसमें आगे बढ़ना चाहिए। और अगर ये प्राइस यहाँ से इस हाई को ऊपर क्रॉस नहीं कर पाती और ऊपर जाने का कोशिश नहीं करती तो इसमें एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। जरूर इसने बॉटम रिवर्सल बनाया है, लेकिन ये एक डाउन ट्रेंड में भी है, शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे तो लॉन्ग टर्म तो मंथली चार्ट में ये एक तरह से साइडवेज है। अच्छा, हमें मंथली चार्ट भी नहीं देखना है, पर मंथली चार्ट की भी कैंडल हमने देख ली है, पर अगर हम इसका डेली चार्ट देख रहे हैं तो डेली चार्ट में अगर अपन देखते हैं तो ये एक रिजेक्शन पॉइंट पे है, जैसा कि हमने बात कर ली है मंथली चार्ट से ही, तो इसके अगर ऊपर निकलता है तभी हमें इसमें एंट्री लेनी चाहिए। और अगर आप इसका जो ये देखते हैं ट्रेंड, तो ये एक ट्राइंगल में भी है प्राइस, और ट्राइंगल का जो लो है वो काफी नीचे भी है, तो यहाँ से अगर रिजेक्ट इस लेवल से रिजेक्ट होती आती है तो अगेन प्राइस नीचे 220 222 तक भी आ सकती है, तो कॉशियस रहें, अगर ब्रेकआउट करे तभी इसमें एंट्री लें। और दूसरी बात, हम जो स्टॉक डिस्कस करने वाले थे वो था नेस्ले इंडिया, तो नेस्ले इंडिया का भी हम चार्ट देख लेते हैं। नेस्ले इंडिया कंट्रोल वी, नेस्ले इंडिया का ये डेली चार्ट आपके सामने ओपन हो जाता है। नेस्ले ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड के बाद अगर आप इसमें एक और चीज नोटिस करेंगे तो ये
ऊपर में कंसोलिडेट भी हुई है, जिस प्राइस लेवल पे ये कंसोलिडेट भी हुई है, और यहाँ पे बोलिंजर बैंड का स्क्वीज भी बनाया है। तो इसमें ऊपर की तरफ से देखेंगे तो यहाँ सेलिंग आई, यहाँ सेलिंग आई, यहाँ सेलिंग, यहाँ सेलिंग, तो काफी पॉइंट से इसमें सेलिंग भी आ रही है। तो ऊपर की तरफ से अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनती है। तो अगर ये इसमें ये लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाती है, तब क्या ये लाइफ टाइम हाई पे पहुंच जाएगी? काफी समय का हाई तो दिख रहा है, मंथली चार्ट ओपन करने से पता चलेगा। यस, तो ये अपने लाइफ टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रही है, और इससे अगर ऊपर निकल जाती है, ये जो अभी 2 महीने का इसने बनाया है, मतलब लास्ट मंथ इसने छोटी सी कैंडल बनाई है, और ये काफी अच्छा जगह हो सकती है। जितना ये कैंडल बनी उतनी ही लंबी कैंडल यहाँ पे वापस से बन सकती है, क्योंकि ये एक प्रेशर कैंडल, ये छोटी सी कैंडल बनी है जो ग्रीन कैंडल बनी, इसके हाई को जैसे ही ब्रेक करता है तो इसमें काफी अच्छा बाइंग आ सकता है। इसका जो हाई का लेवल है लगभग 24,589 का, मतलब 25,000 के 24,600 के आसपास का लेवल है। तो इसको अगर ब्रेक कर देती है ऊपर की तरफ तो इसमें अच्छी बाइंग आने की संभावना रहेगी, जो कि लगभग आपका देखेंगे कि 1,000 से 1,500 से 1,000 पॉइंट आराम से ये दे सकता है इसी महीने। और अगर निफ्टी भी जिस तरह से अपने लाइफ टाइम हाई पे है और वहां से ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूव करता है, तो ये सब स्टॉक्स भी उसमें अपनी योगदान देंगे। तो हमने दोनों ही स्टॉक्स का चार्ट एनालिसिस करके देखा है, और वेदांता में भी जब ब्रेकआउट हो तभी ट्रेड करें, और नेस्ले में भी ये इस लेवल जो हमने मार्क किया था उसके ऊपर निकले तभी उसमें अपन ट्रेड की पोजिशन बना सकते हैं। तो आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बने रहें बीए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के साथ। तब तक हैप्पी ट्रेडिंग।